जोर ना दे पढ़ाई पे, बच्चे को फैसला करने दे घर के अंदर, कह बेटा ये काम अब तुम्हारा, तुम फैसला करो, ठीक है, बच्चों को फैसला करने दे, बच्चों को लीडरशिप के लिए आगे करें। हमें याद है हम फॉर एग्जांपल गाड़ी में जाते थे तो दोनों छोटे बेटे पीछे बैठते थे, मैं और वाइफ आगे होते थे, तो अली और मुर्तजा बहुत छोटे होते थे, तो हमने किसी स्टोर पे गाड़ी खड़ी की जी। या दूध वाले के पास गाड़ी, तो पैसे दिए अली को, अली दूध लेके आओ, मैं उतर के ला सकता था ना, उसको पैसे दिए, वो बच्चा जो 10 11 12 साल का था वो गाड़ी से उतर के दूध वाले की दुकान पे जा रहा है, वो अच्छा उसको पता इंटरेक्शन कर रहा है अजनबी के साथ, ठीक है, पैसे गिन रहा है, यहां से पर्सनैलिटी बच्चे की डेवलप होती है। जब तक आप बच्चे को एक्सपोज नहीं कर सकते, बच्चे में वो ताकत और वो एक्सपीरियंस नहीं आता लाइफ का। वेरी ट्रू। तो चंद चीजें ये है कि बच्चे को कंपेयर ना करें, तुम्हारा कजन ऐसा है, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, ये हम कहते हैं आप ज्यादा बिल्कुल 4 घंटे पढ़े कोई 1 घंटा पढ़े, हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट, कि एंड ऑफ द डे आप क्या रिजल्ट लेके आते हो। नंबर बहुत अच्छी बात है, इसका मैं अब जो सेकंड लूंगी, एक कॉलर को साथ लेते हैं, जरूर ले लें। अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो हेलो, चलें जी कोई बात नहीं, आप जो है ऑन एयर बातें सुनते हैं, बड़े मजे मजे की बातें करते हैं मुईज, डॉक्टर मुईज, बड़ा मजा आ रहा होता है। हेलो जी, आई थिंक यू आर वेरी राइट, थोड़ा बहुत ये है, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आई सिंपली फील कि जब मैं दुबई से यहाँ आई थी मुझे डॉक्टर बनने का शौक था, क्योंकि मुझे डॉक्टर का, मैंने उनका कॉलेज देखा था डॉ मेडिकल कॉलेज, मेरी फैमिली बहुत सारे सब डॉक्टर्स हैं, तो मेरा बड़ा भाई पहले यहाँ आ गया, तो मुझे था कि यार वो कोट पहना हुआ है, फंक्शंस हो रहे हैं, आई वाज अ टाइप जो कि हमेशा हैप्पी को लकी टाइप, मतलब घूमना फिरना सब कुछ है, लेकिन वो जब यहाँ पाए तो मेरे जो नाना है, मरहूम नाना था, वो एजुकेशन में थे, एजुकेशनिस्ट, उनको था बस पढ़ो, अब मुझे था कि भाई मैं पढ़ लूंगी, मुझे टोको नहीं, मुझे आना जाना मेहंदी में कहीं शॉपिंग पे जाने दो, कहते नहीं हर वक्त पढ़ो, उनको टेंशन होती थी अपनी नानी से अपनी वाइफ से कि पढ़ती नहीं है, और मेरा ये आलम हो गया था कि मैं किताब रख के मैं सो जाती थी, और मैंने अपने डैडी से कहा मुझे वापस बुला ले, मुझे डॉक्टर नहीं बनना, अभी से ये है 9th के अंदर तक क्या होगा, तो देर मैं वाले साहब ने कहा कि देखो तुम नहीं बन सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई करो। तो ये चीजें होती हैं जब बहुत ज्यादा आप करते हैं ना कि ये नहीं करो वो नहीं करो, तो इंसान का माइंड हट जाता है, बिल्कुल हट जाता है। आप तो एक तो असल में वही ना माइंड सेट है हमारा कि बच्चे अच्छे मार्क्स लाएंगे। आपको पता है मैं कई साल पहले की बात है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर मेरी एक लेक्चर था 2-2.5 घंटे का, थोड़ी सी ट्रेनिंग भी थी, 1,500-2,000 बच्चे थे। जब खत्म हुआ तो चाय के ऊपर कई मिलने वाले बच्चे ऑटोग्राफ ले रहे हैं कोई मुझे, बाय द वे एक बच्चा मेरे पास आया, उसने कहा जी आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, और मुझे जॉब नहीं मिल रहा बिकॉज मैं इंटरव्यू में फेल होता हूं। उसका रीजन ये है कि वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस था, वो बात नहीं कर सकता था। मैंने कहा तुम गोल्ड मेडल लाए हो, तुम्हारे जैसे मार्क्स मैं नहीं ला सकता, ठीक है ना, मगर मैं तुमसे जिंदगी में कामयाब हूं ज्यादा। पता है क्यों? मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं जिंदगी में रिस्क लेता हूं, मेरा विजन बहुत बड़ा है। ये फर्क, तुम्हारे माँ बाप ने ये चीज तुम्हें नहीं सिखाई, पढ़ाई तुमने कर ली, तो मार्क्स लाना इज नॉट ए गारंटी फॉर सक्सेस इन लाइफ। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात आपने कही, आई थिंक ये थोड़े से बहुत सारे पेरेंट्स इस पर जरूर गौर फरमाए। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अंबर? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे डॉक्टर मुईज से बात करनी है। हाँ। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप भी बहुत अच्छी लगती हो। अरे बिल्कुल कीजिए यार, ये सबको बहुत अच्छे लगते हैं, आप बात कीजिए डॉक्टर मुईज से। मेरी सिस्टर है, 2 साल पहले ना उनके मियाँ की डेथ हो गई। अच्छा पहले सलाम कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। मैंने किया सुना। अच्छा चले, वालेकुम अस्सलाम, अब आप बताइए क्या। डॉक्टर साहब मेरी सिस्टर है, उनके 2 साल पहले ना मियाँ की डेथ हो गई है। ठीक है। तो उनके पहले ना बच्चे नहीं है। ठीक है। उनकी शादी को 15 साल हो गए। ठीक है। मगर मेरी सिस्टर जो है ना, अब जब मियाँ उसके फोर्थ हो गए हैं तो बच्चे भी नहीं है, तो वो ना 2 साल डिप्रेशन में है। ठीक है। 2 साल से ना वो ये एक लेग डोनर और ये वाली इमल्शन ना दवाइयाँ खा रही है। ठीक है। और सोती रहती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप रहती कहाँ है आपकी बहन? रावलपिंडी में। रावलपिंडी में रहती है। अच्छा ठीक है। देखिए रावलपिंडी में मैं आपको क्या बताऊँ, एक तो आप डॉक्टर का इलाज साइकाइट्रिस्ट के पास गई थी? गई अच्छा। थी सर, हम ना उसको साइकाइट्रिस्ट के पास लेके गए थे। साइकाइट्रिस्ट गोलियां लिख के दी कि ये डिप्रेशन करती है। अच्छा अच्छा देखिए अब एक बात सुनिए, मैं
डिप्रेशन जो है ना वो हम में से हर एक शख्स को जिंदगी में कई मर्तबा होता है और ये बड़ा नॉर्मल है। सुनेंगे हमने ऑनलाइन सुन रही, मैं इसी वजह से सुन रही। अच्छा ठीक है, सुनिए। हर एक को डिप्रेशन होता है अंबर और बड़ा नॉर्मल है, ठीक है। मसला ये होता है कि जब आप डिप्रेशन में फंसे रहते हैं निकल नहीं पाते। दवाइयां क्या करती है कि आपके डिप्रेशन के दौरान आपकी ब्रेन केमिस्ट्री को नॉर्मलाइज करती है। इनकी बहन को अगर कोई फ्यूचर मुस्तकबिल दिखाया जाए, मुस्तकबिल दिखाया जाए तो वो डिप्रेशन से निकल जाएंगी। लेकिन डॉक्टर मिस बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, बिकॉज ऐसा है कि चलो इस पर हम जरूर सेकंड करते हैं, आप हमारे साथ लाइन पे रहिए क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक आपको जो है आपकी बहन अव्वल तो हमने इतने प्रोग्राम्स में साइकेट्रिस्ट भी यहाँ पे आए कि ये जो गोलियां खाकर सोते रहना यही सबसे बड़ी गलती है इंसान की। तो आप लाइन पे रहिए, आप हमारे साथ रहिए और हम छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। सो कीप वॉचिंग दिल की बात। वेलकम बैक इन दिल की बात। बहुत मजे मजे की बातें हो रही होती हैं और पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ निकल जाता है डॉक्टर मुईज के साथ, स्पेशली जब वो एग्जाम्पल्स दे रहे होते हैं ना उसमें बड़ा मजा आता है मुझे, शुरू पहले दिन से बड़ा मजा आ रहा होता है। अच्छा जी, कॉलर हमारे साथ है डॉक्टर मुईज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ, उम्मे लैला। उम्मे लैला बहुत अच्छा नाम है। मेरा बेटा है, सेवन्थ क्लास में पढ़ता है। उसमें जरा कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है, यानी पेपर देने जाएगा माशाल्लाह मार्क्स उसके 90 प्लस आती है परसेंटेजेस की, लेकिन वो पेपर्स देने के टाइम ना कंफ्यूज हो जाता है, उसकी वजह से कितना वो कुछ मिस कर रहता है। यानी अगर वो फर्स्ट आ सकता है लेकिन पोजीशन उसकी पीछे चली जाती है सिर्फ कंफ्यूजन की वजह से, और बात करते हुए जरा शाय हो जाता है। बहुत दफा वो अजीब सी ड्रेसिव सी हरकतें करता है। खैर डॉक्टर मुईज ने बताया आपको क्या करना है, बाकी शॉर्ट और ब्रीफ बता देंगे। वही चक्रा एक्टिवेशन की सीडी सुनाए, और अगर एंग्जाइटी हो तो रात को सोते वक्त एक सीडी है उसका नाम है माइंड पावर डीप रिलैक्सेशन, आंखें बंद के लाइट बंद की सीडी ऑन की, 28 मिनट के बाद सीडी बंद हो जाएगी, बच्चा सो जाएगा। इनफैक्ट कोई भी सो जाएगा वो सीडी सुन के, अगर वो भी कंटिन्यूअसली रात को, तो जो एंग्जाइटी होती है, बेचैनी होती है, अनसर्टेनिटी होती है इम्तिहान के दौरान बच्चों को, वो इतनी कम हो जाएगी कि जब वो एग्जाम का पेपर देगा तो एंग्जाइटी जब नहीं होगी तो वो पेपर अच्छा देगा। देखिए बच्चे ने पढ़ा होता है, वो जो खौफ होता है ना और अनसर्टेनिटी, उसमें भूल जाता है बच्चा। ये होता है तो इसकी बाकायदा टेक्निक्स होती है कि किस तरह आप